जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस आबकारी विभाग में एक भर्ती निकल के आ रही है और इस भर्ती में 200 प्लस 7500 वैकेंसियां हैं। यानी अभी किसका किसका फॉर्म भराएगा, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और क्या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरा ए टू जेड बात करेंगे। और इसका जो 7500 वैकेंसी है इसका सच भी दिखाएंगे, क्या ये सही वैकेंसी आ गई, ये सब झूठी खबर है, ए टू जेड में बात करूंगा। दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस अबकारी विभाग, अब आपको लगता होगा कि ये अबकारी विभाग है क्या, तो मैं बता दूं अबकारी विभाग जो पुलिस होती है, तो वो जैसे आप लोग अवैध जो शराब होती है, गांजा होता है, इनको पकड़ने के लिए अबकारी विभाग वाले ही पकड़ते हैं। आप जो लोकल दारू बनाते हैं उनको पिलाते हैं, बेचते हैं, बिना लाइसेंसदारी जो ठेकेदार होते हैं उनको छापा पकड़ने के लिए अबकारी विभाग को ही बनाया गया है। यानी जो अबकारी विभाग के पुलिस हैं, अवैध रूप से शराब हो गया, गांजा हो गया, इनको पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, इस तरह के पुलिस को अबकारी विभाग कहते हैं। अब इसमें जो दोस्तों टोटल पोस्ट जो आई हुई है ना वैकेंसी, इसमें टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 200 पोस्ट प्लस 7500 पोस्ट, 7500 पोस्ट ये कांस्टेबल की है, ठीक। और ये जो 200 पोस्ट है ये अबकारी विभाग में ही आई हुई है। और अभी जो अप्लाई होने का डेट है, अप्लाई डेट की बात करेंगे 10 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए ये 200 पोस्ट के लिए अप्लाई होना चालू हो गया है। यानी 10 दिसंबर से आप अप्लाई करना चालू कर दीजिए और 29 दिसंबर को लास्ट डेट है। इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है ना टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना, डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। और अप्लाई होने का जो लिंक है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप भी वहां से जाइए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जाम डेट है तो एग्जाम डेट स्टार्टिंग फरवरी 2023 में हो जाएगा, यानी 2 महीने पढ़ने का टाइम है। और यदि आप अप्लाई करते हो तो यही समझिए कि आपके फरवरी में अबकारी विभाग के लिए जो 2023 है उसमें से परीक्षा हो जाएगी। और इसका जो फीस है अदर स्टेट वालों के लिए हो गया और अन्य कैटेगरी वाले, हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अबकारी विभाग में। और इसमें ₹560 लगेगा अदर स्टेट प्लस जनरल वाले कैटेगरी के लिए, ओबीसी एसटी एससी के लिए 310 पोस्ट यहाँ पे रहने वो ₹310 यहाँ पे लगने वाला है फीस, ठीक। फीस है अदर स्टेट जनरल की 560 और ओबीसी एसटी एससी के ₹310। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि जो 7500 वैकेंसियां हैं, 7500 है, ये कितने तारीख तक के आ सकती है, कितना जल्दी आ सकती है, आपको मैं सच एक बार दिखा देता हूँ, चलिए देख लीजिए। आरक्षकों की भर्ती में 6000 पुलिस आरक्षकों की परीक्षा और परिणाम आ चुके हैं। फिजिकल का कुछ टेस्ट रह गया है, वो 6000 की भर्ती हो गई है और आने वाले दिनों में हम 7500 और आरक्षकों की भर्ती प्रारंभ करने वाले हैं। मध्य प्रदेश दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो तो देख लिया, अब यहाँ पर ट्वीटिंग का देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 6000 पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, पिछला वैकेंसी का है, ठीक है। आने वाले दिनों में दोस्तों 7500 यानी 7500 अतिरिक्त पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बस कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 2 दिन पहले का, नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, आप लोग देख सकते। मालूम पड़ गया होगा कि जो 7500 कांस्टेबल की मध्य प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आ रही है वो भी आपने देख लिया नरोत्तम मिश्रा के माध्यम से, वो जानकारी दे दिए हैं, इंफॉर्मेशन निकल गई है और ये बहुत जल्द वैकेंसी आ रही है। ये आपको समझे लास्ट दिसंबर तक में ये भी अप्लाई होना चालू हो जाएगा। और इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों, एज लिमिट की बात करेंगे 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग 18 मिनिमम होना चाहिए एज और मैक्सिमम 33 होना चाहिए। यानी जो आपकी एज काउंटिंग की जाएगी, इसमें जो एज काउंटिंग की जाएगी तो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपकी 18 से 33 साल की उम्र होनी चाहिए। और उसमें ओबीसी एससी एसटी वालों को कुछ नियमानुसार छूट भी दिया जाएगा, रिलेक्शन, जैसे ओबीसी वालों को 3 साल दिया जाता है, एसटी एससी वालों को 5 साल दिया जाता है, तो आपको छूट भी उसमें मिलेगी। पूरा ए टू जेड नोटिफिकेशन पे डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो टाइप है रेगुलर और बैकलॉग, दो टाइप की पोस्ट निकल के आ रही है। रेगुलर की टोटल पोस्ट है 51 पोस्ट और जो बैकलॉग वालों स्टूडेंट के लिए रहेंगे 149 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बैकलॉग रेगुलर दो टाइप की यहाँ पे वैकेंसी है, पोस्ट है 51 रेगुलर वालों का और बैकलॉग वालों का 149 पोस्ट है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन ओनली 10th प्लस 12th, यदि आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी रखी गई है, नहीं आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 19500 से लेकर ₹62,000 तक रहेगी। यानी 19500 जो है ना सैलरी, ये है बेसिक, ठीक।
और लास्ट सैलरी जो रहेगी 62,000 रुपये रहेगी। और यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो ये आपके कम से कम 27 से 28 हज़ार रुपये पर मंथ रहेगी, इसमें TA DHRA भी लग जाएगा, तो आपके 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी, यानी 19,000 से आप 27-28 हज़ार रुपये पर मंथ स्टार्टिंग में आपको मिलना चालू हो जाएगी। अब इसके बात कर लेते हैं सिलेबस, सिलेबस में क्या है और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़नी है, ये सिलेबस की जानकारी देख लीजिए। सिलेबस के बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा बुक की, कि आपको बुक कौन सी लेना है इसके पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बुक है, उसकी भी जानकारी मैं दे दूंगा। सिलेबस जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, सिलेबस बहुत अच्छा है और शायद ही इसमें कोई ऐसा नया सिलेबस नहीं जोड़ा है। सामान्य एग्जाम एवं तार्किक एग्जाम जो दिया है, करेंट अफेयर हो गए, सामान्य एग्जाम हो गया, एमपी से रिलेटेड, तो उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का रहेगा। ठीक, डाउट खत्म। सामान्य एग्जाम के 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के रहेगा। इसी तरह रीजनिंग के रहेगा 30 क्वेश्चन से 30 नंबर के, यानी बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जिसको आप लोग रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के 30 क्वेश्चन रहेंगे। और साइंस एवं सरल अंकगणित यानी फिजिक्स और इसके गणित से रिलेटेड आपके क्वेश्चन 30-30 नंबर के रहेंगे। यानी देखा जाए ना तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के ही ओनली आपसे पूछा जाएगा, बहुत इजी है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, गणित पढ़ना है, साथ में थोड़ी सी GS जनरल साइंस भी पढ़ लेना है। ये है आपके सिलेबस। अब सिलेबस के बाद थोड़ी सी आप जानिए कौन सी बुक से आप पढ़ोगे, सबसे अच्छा नॉलेज रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल GD के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, तो आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये स्टडी गाइड होने वाला है, तो 5 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे ताकि आपको आइए लगे ना भैया किस प्रकार का पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, और 3500 से भी ज़्यादा आपको बहुवैकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीकी दुकान पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग ले सकते हो। देखिए दोस्तों, स्टडी गाइड तो आपने देख लिया, अगर आप तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आपको चक्षु पब्लिकेशन का ही दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी ले लेना है, मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल GD और रेडियो के लिए। ठीक है, जो वैकेंसी आने वाली है इसमें 20 प्रैक्टिस सेट, 5 सॉल्व पेपर और 2200 से भी ज्यादा बहुवैकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा, तो आपको जरूर दोनों बुक ले लेने हैं। अब रहेगा फिजिकल, अब आपको ये भी जानना है कि फिजिकल में क्या है और फिजिकल में क्या क्या रहेगा। फिजिकल यदि आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 167 से 167.5 सेंटीमीटर मेल वाले स्टूडेंट, फीमेल की हाइट होनी चाहिए कम से कम 152.4 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 152.4 सेंटीमीटर और मेल की 167.5 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। उसी तरह चेस्ट की बात करेंगे, चेस्ट है 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट मेल की, फीमेल को कोई भी प्रकार का चेस्ट नहीं लिया जाता। तो ये है जो मध्य प्रदेश पुलिस अबकारी विभाग में निकाला गया है और ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, और इसका जैसे फॉर्म भराना चालू होता है, फॉर्म के भरने के लास्ट लास्ट तक में ये 7500 वैकेंसी भी निकालने के लिए तैयार हो गई, गवर्नमेंट बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी आई थी ना उसमें से जो स्टूडेंट थे सबको सिलेक्शन हो गया, सबकी ज्वाइनिंग दे रहे हैं, अभी जो नई वैकेंसी है सीधे इसी का निकाल रहा है। तो आपको ये जानकारी मिल गई है और इसका जो PDF है नोटिफिकेशन का टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं, अप्लाई करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं, और अदर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।